अच्छा मेरा 60/90 आया। देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले सॉल्व करेंगे तो आंसर में 5x/3, x वाले को एक साइड कर दिए तो आप RHS से LHS में लाओगे तो -2x/5 इक्वल टू, बिना x वाले को ले जाओ राइट साइड तो -4x क्या हो जाएगा +4। अब दो टर्म से एक टर्म करना है तो क्या करेंगे, एलसीएम ले लो, 3 और 5 का एलसीएम 15। बोलो जागृत, यस सर 15। समझ रहे हो? हाँ, 15 है, 3 से इसको डिवाइड करेंगे 5, और 5 × 5 25x-15 को 5 से डिवाइड करोगे 3, और 3 × 2 6x=4 / 1। अब 25x-16x क्या होगा? -6x हाँ, ट्वेंटी फाइव एक्स माइनस सिक्स एक्स 19 x/15 इक्वल टू 4/1 बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, 19x तो 19x = 15 × 4 60, तो x = 60/19 मेरा एक्स। भी तो यही आया था। हाँ, तो लेकिन आपको एक लाइन बाद में हम जोड़े, जिसको x आ गया आंसर ये करेक्ट था, ये तो सबका 60/19 है ना, 60/। हाँ दिखाइए, उस प्रोसेस से किए थे, पहले माइनस कर दिए थे। हाँ, अब देखो इसी में एक लाइन जोड़े थे क्योंकि आपके बुक में ही भी है क्वेश्चन में कि देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 2x-7। अब देखिए 2x-7 को अब इवेलुएट करेंगे, क्वेश्चन में ऐड कर दिया है, क्या ऐड किया है, 2x-7 सेट कर दो, सेट करो 2x-7। एक मिनट, जरा आधुनिक डिवाइस।